गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ऐसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए अपने व्हीकल में, कार या बाइक में जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल कीजिए। अपने आप को और अपनी गाड़ियों को खुद से सुरक्षित कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करने के अलग अलग मेथड, कार में, बाइक में एंड ट्रक में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीपीएस इंस्टॉल करने के बाद आप उसको अपने पीसी, लैपटॉप और कंप्यूटर पे कैसे देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। इसमें जीपीएस इंस्टॉल हो गया और इसमें जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं तो हमें एक एसएमएस अलर्ट आता है, वो भी लोकेशन के साथ कि हमारी गाड़ी कहाँ पर स्टार्ट हुई है, जो कि आप देख सकते हो ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं, ये मैसेज, अलर्ट मैसेज आया हमारा। हाँ तो फ्रेंड्स, ये तो वही मैसेज अलर्ट की बात। अब मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी का एप्स है, जो कि है रूस्टर ट्रांसपोर्ट के नाम से, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसके लिए हमें गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करना होगा रूस्टर ट्रांसपोर्ट। जैसे ही हम रूस्टर ट्रांसपोर्ट टाइप करते हैं और सर्च करते हैं तो आप देख सकते हो ये पहले नंबर पे हमारा रूस्टर ट्रांसपोर्ट का एप्स आ गया। तो इसको आप अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों ये मेरे फ़ोन पे पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। और जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा। अब कंपनी ने जो आपको पासवर्ड और यूज़र नेम प्रोवाइड किया है वो आपको इस पर डालना होगा। और जैसे ही हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करते हैं तो आप देख सकते हो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये हमारी गाड़ियां हैं जो कि जिनमें जीपीएस इंस्टॉल किया हुआ है। ये देख सकते हो ये आपकी रियल टाइम लोकेशन दिखाता है, और आप चाहो तो इसको गूगल मैप पे भी देख सकते हो, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और हाँ तो फ्रेंड्स, आपने देखा ऐप्स पर गाड़ियाँ किस तरह से दिखाई देती हैं। अब मैं दिखाता हूँ इसका आपको लाइव डेमो। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं अपने मोबाइल पर ऐप्स की मदद से कि हमारी गाड़ी कहाँ पर, रियल टाइम ट्रैकिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो ये लोकेशन है जो हमारी गाड़ी चल रही है, और ये मैप पर दिखा दी मैंने आपको, ये मैप पे दिखाई दे रही है हमारी गाड़ी कहाँ पे है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैप पे हमें कितना क्लियरली दिखाई देता है कि हमारी गाड़ी किस किस रूट पर चल रही है। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ऐप्स पे गाड़ी कैसे देखते हैं। तो आइए अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर पे इसको हम कैसे देखेंगे। इनकी हम साइड ओपन करते हैं, ये देखिए इनकी साइड ओपन हो गई और गाड़ियाँ भी हमें दिखाई दे रही हैं। और इनकी एक सबसे अच्छी रिपोर्ट है जिससे आप मैप पर गाड़ियाँ देख सकते हो, व्हीकल ट्रेस रिपोर्ट। इसमें हम इसको सेलेक्ट करेंगे, किस डेट से किस डेट तक देखना है वो सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं तो मैप पे हमें दिखाई देगा कि हमारी गाड़ी किस किस रूट से कितने किलोमीटर चली हुई है, जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इनकी एक रिपोर्ट है जो कि है ये
व्हीकल लॉक समरी रिपोर्ट, इस पे आप जिस डेट की रिपोर्ट देखनी है वो डेट सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए, तो उस डेट का पूरा डेटा आपके पे इस कंप्यूटर पे आ जाएगा कि गाड़ी कहाँ कहाँ चली हुई है। ये देख सकते हैं आप जो आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहो इसको एक्सेल पर भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ पे भी डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट भी इसका निकाल सकते हो, देख सकते हो। और एक इनकी रिपोर्ट बहुत ख़ास रिपोर्ट है जो कि डे डिस्टेंस करके नाम से है, उसको सेलेक्ट करने से जितनी भी गाड़ियाँ होंगी ना आपकी, तो सब गाड़ियों का पूरा डेटा आ जाएगा कि कौन सी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।